भी आए हैं दोस्तों दवा कराने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। और अभी देखिए बुखार उखार चेक हो रहा है उनका, जो कि आए हैं पादरी बाजार। ठीक है, तो अभी ग्लूकोज चढ़ने जा रहा है, जो कि इंजेक्शन लग गया है। और अभी देखते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि काम भी नहीं हो पा रहा सही से। दोस्तों क्या ही बताएं, खाना पीना बन नहीं पा रहा था घर पे। समझ लीजिए दो दिन से, जब से पटना से आए थे हम लोग, शाम को तो खाना खा ही नहीं रहे थे, मतलब बन ही नहीं पाता था। तो बनाने का हिम्मत इनका नहीं करता था। और जब ये तबीयत ख़राब रहता है तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसकी वजह से देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं पादरी बाज़ार। जैसे कि आप सभी को पता है कि सालू जी का तबीयत ख़राब है, मतलब जो लोग हमें देखते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो हम नहीं सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो बेचारी कैसे कैसे करके ज़बरदस्ती, मतलब काम घर का हो रहा था, लेकिन आज तो एकदम हद ही हो गया। एकदम सुबह ही निकल लिए और सुबह ही चले आए। उसके बाद दो ग्लूकोज चढ़ा और ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में निकला है कि आँत में, मतलब लेवर में इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, और उसके बाद टाइफाइड का बुखार भी हो गया है, और यहाँ जो है गिल्टी निकल गया है और गलसुगना निकल गया है। बहुत सारी बीमारियाँ अंदर अंदर से एकदम पूरा तोड़ दी सालू जी को, मतलब कोई काम ही नहीं, जैसे मतलब नहीं होता है अंदर, एकदम हिम्मत ही नहीं कुछ करने का, तो एकदम पूरा कमज़ोर हो गई हैं। तो आज मतलब 4000 का दवा, मतलब पूरा ग्लूकोज और दवा लेकर 4000 का दवा आज होगा। और अभी 3 दिन लगातार जो कि करवाना है दवा। तो हम लोग यहीं पे ही हैं, पादरी बाज़ार में हैं। भाभी हैं, मतलब इनके घर मतलब आए हुए हैं, जो कि यहीं पे हैं। अब देखते हैं कब तक रहेंगे कब तक नहीं। हम तो सोचे कि चलते हैं घर, कल आना है फिर कल आएंगे, लेकिन कल दोनों टाइम मतलब आना है। शाम को भी सुई ग्लूकोज चढ़ेगा और सुबह में भी, इसकी वजह से रुकना पड़ा। तो रुकेंगे अब 2-3 दिन, उसके बाद ही जाएंगे, जब अच्छा हो जाएगा तबीयत तब। बाकी तो चलिए सब लोग अंदर हैं, सबसे मिलवाते हैं और बस जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान से ही प्रार्थना दुआ है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि व्यूज़ के लिए ऐसा है, नाटक है, ऐसा है नहीं। दोस्तों देखिए, हम ब्लॉगिंग भी बनाना छोड़ दिए थे, सोचे चलिए आप सबके बीच एक ब्लॉगिंग डालें, अपलोड करें, आप सबको भी बता दें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब हम डांट के उनको काम करवाते थे, लेकिन तबीयत उनका धीरे धीरे ख़राब होते चला गया। तो अगर 2-4 दिन और नहीं ले जाते तो पीलिया भी हो सकता था। डॉक्टर साहब बोले कि अगर 2-4 दिन और नहीं ले जाते तो पीलिया भी हो जाता, तो और समझ लीजिए डर रहता। काम भी नहीं हो पा रहा है सही से, ना कॉमेडी बन पा रहा है, ना वीडियो बन पा रहा है, और किसी को बताए भी नहीं चले आए दवा कराने के लिए। जो कि गए थे भाभी भी नहीं थी, गए थी वीडियो बनाने के लिए, इसकी वजह से हम कहे चलिए मान लीजिए जब आएँगे फ़ोन वोन करेंगे तो चले आए। भाभी फ़ोन की थी, बोल रही थी कि क्यों बताएं नहीं चले गए हो, तो बताएं कि गए थे घर पे कोई था ही नहीं, तो हम चले गए, चले आए और दवा वा मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इसके पहले वहाँ से दवा चला रहे थे तो आराम ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, रोज 200-300 जाता था, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता था। तो चलिए सालू जी से मिलवाते हैं। ठीक है, अभी चल रहे हैं घर के अंदर, तो देखते हैं। एक यहाँ पे मतलब डॉगी है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत बड़ा। तो भाभी के घर हैं तो बाबू को कनिष्क खिला रही हैं, कनिष्क को, मम्मा को परेशान कर रहा है बहुत। और उधर मूड़ पीड़ा रहा था तो भाभी आई हैं, अंजनी भाभी, तो अभी सिर उड़ दबा रही हैं। और इधर आशुतोष वीडियो बना रहे हैं, मैक्स हैं सेवा पानी में, हाँ। जो कि बहुत खतरनाक हैं, नहीं खतरनाक है बाबू, इनको बहुत मार रहा है ना। और उधर सालू जी हैं, अभी तो ठंडा तेल लगा रही हैं अभी, तो देखते हैं कब तक हम लोग जाएंगे घर। तो जाएं आज हम लोग घर, नहीं अभी 2-4 दिन रुकिए, तबीयत सही करिए तब जाइए, अभी नहीं। हाँ बेटा, हाँ।
वही तो देख रहे कैसा उनका हालत है, कैसी वो गई है। नहीं बेटा अच्छा अच्छा उतार दी। अरे अरे देखिएगा कैसे जा रहा है आपके पास, जा रहा है। जब माँ बीमार रहेंगे ना तो बच्चे एकदम माँ ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ऐसा ही करते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कह रहे हैं कि ब्लॉग नहीं बना रहे। 4-5 दिन हो गया लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया अभी तक, मेरे कहने पे बना नहीं रहते। मूड सही नहीं है, तबीयत खराब है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अभी बना रहे हैं, आज भाभी के घर ही रहेंगे और इनके हाथ का खाना खाने में कुछ अलग ही मजा है ना। तो बताइए आज क्या बनेगा, जाएं हम लेकर आए। क्यों आप लाएंगे, मेरे घर आए हम खिलाएंगे क्या? आप लाएंगे नहीं, हम आपके घर आएंगे तब कहेंगे क्या भाभी जाइए लेकर आइए, तब खिलाएंगे। लेकर आती नहीं है, क्या लेकर आते हैं, कुछ नहीं लाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय।